देखिए आंदोलनकारी की मांग को लेकर 20 सालों में जिस तरीके से आंदोलनकारी बेचारे भटकते रहे और उन्हीं के बदौलत ये राज्य हमें मिला है, आज उनको उनके परिवार को सम्मान देना निश्चित रूप से इस सरकार के लिए गौरव की बात है। और आज इसी के तहत हमने ये निर्णय लिया है उनको पेंशन को लेकर, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने को लेकर ये निर्णय हमने लिया है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर इस तरीके की, आपने देखा आज मनरेगा का भी हम लोगों ने जो वेजेस हैं उसे बढ़ाया, बरसों से यहाँ लंबित अल्पसंख्यक विद्यालय 8-10 सालों से जो उनका वेतनमान और नियुक्ति को लेकर अटकलें में वो झूले हुए थे, अंतों का तो उसका भी निदान हम लोगों ने कर दिया है। तो इस तरीके से चूँकि 10 साल 8 साल 15 साल 20 साल की जो मकड़ जाल है, अब जिस तरीके से राज्य को इन लोगों ने 20 सालों में स्थिति बनाई थी हमारे विपक्ष के सहयोगियों ने, आज उसको पुनः अपने जीवंत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। उसको हम लोग मजबूती के साथ आने वाला समय में हर समस्या का समाधान ये सरकार करे। सर कल से बजट सेशन आ रहा है और 3 तारीख को जो बजट है, क्योंकि कोविड के बाद का इस बजट ये जो आने वाला है, इस पर काफी नजरें हैं राज्य की लोगों की। माइक थोड़ा नीचे कीजिएगा सब लोग। बिल्कुल होना चाहिए, आप लोग भी इसके गवाह बनेंगे, आप लोग का भी स्वागत है।